नस्ल और वो नस्ल जिसने हरियाणा प्रदेश को एक अपना नाम दिया है, अपनी पहचान दी है। और आज करें कुछ जो मॉडर्न जमाना है उसमें एक तकनीक आ गई, वही पशुपालन को छोड़ दो, जो मोल दूध लेना वो स्टार्ट कर दो। क्योंकि हालांकि ऐसी नौबत आनी पड़ रही है, क्योंकि जो ब्रीड वाले पशु हैं वो कम हो गए, 8-8, 9-9 किलो वाली भैंसें थी वो अब ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो युवा साथी अगर इस पर काम करते हैं, जो युवा जोश है अगर पशुपालन में ला दें, तो ये ऐतिहासिक तिथि होगी भी, पशुपालन का रवैया बदल जाएगा। लाखों की चोटियां आपके घर पे पैदा हो सकती है। 2 साल में आप लखपति बन सकते हैं, 2 साल में आप 4-5 लाख अपनी एक 2 साल की कटिया से कमा सकते हैं। और ये प्रूव करके दिखा दिया भाई, मंदीप भाई है अड़ेवा से। तो जी सभी को नमस्कार, राम राम। मंदीप भाई राम राम। ज्यादा जानकारी आप अदर चैनल से भी ले सकते हैं, लेकिन एक कमेंट आएगा, मैं बार बार बताना चाहूंगा कि भाई झूठ बोल रहे हैं, बकवास करे, नू करे हैं, उनमें मैं समझाना चाहूंगा भाई 4 लाख कितनी बताई, 25,000। 4,25,000 में आप शायद 4 भैंसे भी ले आओ, 5 भी ले आओ, हो सके अभी 70-70, 50-50 साढ़ी 10 भी ले आओ, लेकिन उन सब के टोटल गुण मिलते इस कटड़ी तक कम रह जाऊंगे। इसमें जितने गुण है नी, उन 10 भैंसा में टोटल मिला के भी नहीं मिलेंगे, यही बात है। 31,000 मतलब मान सम्मान तो होता है, वहां से मान सम्मान भी कर दिया, बहुत बढ़िया। तो भाई कमेंट सेक्शन में ये मत कहना भाई 10 भैंस ले आना, ऐसे ले आना, लेकिन बात बात बताऊ क्या रहती है, 4.25 लाख ये लिए ना, इससे जो पेडिग्री यानी कि इसकी जो प्रोजनी पैदा होगी वो भी लाखों में खेलेगी, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी मेरे ख्याल से अगर ये अच्छा दूध निकालती है, खार की 15-16-17-18-20 तक अगर हो जाती है, तो वो भी मेरे ख्याल से धरती में गिरते ही एक दिन का भी 1500 के हिसाब से ऊपर ही कीमत होगी। तो ये कमेंट मत करना, तो किसने खरीदी क्या संदेश देना चाहोगे जो युवा साथी काम कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करती भाई ने, यहाँ तो काया है गरम भी26 महीने अच्छे बुलों का चुनाव करें। तो भाई साहब भी है, भाई साहब नमस्कार, क्या चाल है जी? तो भाई भिवानी का चैंपियन है ना गोल्डू बुल, क्या क्या कहना चाहोगे कंपनी के जो साथी है वो भी ज्यादातर मात्रा में पहुंचे, बाहर के पहुंचे हैं। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मंदीप ने देखी आप अच्छा पशुपालन करोगे, कौन करो करोगे, पक्की बात है, करे देख लियो गांव का कटड़ी ने नाम कर दिया, हम क्यों करो ही नहीं, नौकर नहीं सरकांदा कोई सही बाबर है भाई। देखो मैं आपने बता दूं, खेती बाड़ी में ना तो पैसा रह जाता है, अगर बड़ी बात हो जाओ, ठीक है जी बताओ, समझे नहीं तुम्हारा काम पे इतना बड़ा ऑफर है रे छोटा, तो भाई ये चीज ना तो बार बार मिलती बिल्कुल ना भाई साहब को, ट्रैक क्रॉसिंग का कुकड़ी को दिन दे भाई, ट्रैक क्रॉसिंग करा सीमन है भाई, सभी सीमन मिला है, काम पे इतना बड़ा प्रूफ है, मतलब माँ का भी इतनी का अच्छी का भाई साहब, दूसरे इतने काम नहीं, पूरा काम भी प्रूफ कर सके, बैंक ने काम आए कितनी अच्छी मैं करता, तो पंचायत के रूप में दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, पंचायत है
इसकी फीस ले बनी तो फिर ये प्रकार सिस्टम भाई इसका खर्चा बड़ा होनी वो भी कौन पूरा होता। सही बात है, तो जो पंचायत सुन रही है उसके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी, आप उनका चुनाव कर सकते हैं, हर घर में आपके गांव में ऐसी ऐसी चोटियां पैदा हो सकती हैं। तो जिस मुर्रा नस्ल ने आपके गांव का नाम रोशन किया है, मंदीप भाई का नाम रोशन किया है, भाई लाडी है इसका अपने का लाडी नाम रखा, लाडी वैसे कोई भी प्यारा शब्द हो बहुत अच्छा लगे लाडी, ठीक है। इस मुर्रा नस्ल ने आपके गांव का नाम रोशन किया, मंदीप भाई का किया है, तो इस मुर्रा नस्ल का जयकारा जरूर लगा, ठीक है। मैं मुर्रा नस्ल बोलूंगा, आपने जयकारा लगाना, ठीक है। मुर्रा नस्ल की क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो एक बार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको संदेश यही लूंगा, जो युवा साथी है आप उन्हें प्राइवेट सेक्टर में न डाल के पशुपालन में लेके आओगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है जी, और उम्मीद करेंगे अलेवा गांव में अगर ये एक कटड़ी पैदा हो सके है तो मंदीप भाई ने देखी अलेवा गांव बहुत बड़ा है, सैकड़ों कटड़ी आपके हर मेले की चैंपियन बन सके, ठीक है। तो ठीक है जी, बहुत बहुत नमस्कार, पशुपालन में एक कदम बढ़ा दो मंदीप भाई के लिए, एक बार तालियां बजा दो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।